क्या कहेंगे उनके लिए और प्रदेश की तमाम जनता के लिए? मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन हर साल पूरा राजस्थान मनाता है और जिस कार्यक्रम में मैं आया हूं राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के और राजस्थान नर्सेज स्टूडेंट दोनों मिलकर ये कार्यक्रम, ये 15वां कार्यक्रम है इनका। शशिकांत शर्मा, नरेंद्र सिंह जी, मिथिलेश ठाक, इनकी पूरी टीम लगातार, और मैं भी 15वें के, ये 15वां कार्यक्रम है, 15वां कार्यक्रम मैंने ज्वाइन किया है। सरकार हमारी रही या सरकार नहीं रही, ये एसोसिएशन मुख्यमंत्री जी के प्रति निष्ठावान है, समर्पित है और रक्तदान का शिविर का आयोजन करके ज़रूरतमंद लोगों को, मतलब इतना बड़ा काम है ये कि मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन ज़रूरतमंदों को खून मिले, रक्त मिले उसके लिए। और एक गोष्ठी भी हम हर साल करते हैं, हर बार करते हैं, गोष्ठी भी कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी से मैंने टेलीफोन पे, मोबाइल पे मैंने बधाई भी दी, वो भी कर्नाटक हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से राजस्थान में जन कल्याण की योजनाएं लागू की हैं वो पूरे देश में किसी भी राज्य में नहीं है, और 25 लाख का जो चिरंजीवी बीमा है वो तो दुनिया में भी कहीं नहीं है, 10 लाख का दुर्घटना बीमा है, सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन जो दी है वो राजस्थान पहला राज्य है, उसके बाद में अलग अलग राज्यों ने शुरुआत की है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने कहीं भी किसी भी राज्य में अभी तक भी लागू नहीं की है और न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देश के कर्मचारियों के लिए कुछ दिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम इतना प्रभावी है कि हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन हुए, कांग्रेस सरकार सत्ता में लौटी, उसमें प्रमुख ओल्ड पेंशन स्कीम एक रहा है। और हमारे यहाँ जो महंगाई को राहत देने के लिए जो महंगाई राहत शिविर का आयोजन हो रहा है, किसी भी देश में राजस्थान पहला राज्य है जहाँ सिलेंडर की रेट 1070 रुपये, करीब 1100 रुपये से 600 रुपये घटा के 500 रुपये किया है। ये राजस्थान की जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। राजस्थान में बिजली का बिल डोमेस्टिक और किसानों का बिल पूरी तरह से माफ़ हो गया, जीरो बिल हो गया है। वृद्धावस्था पेंशन, अशक्त पेंशन, विधवा, और ये जो पेंशन थी शुरुआत भी मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार की 500 रुपये, फिर 750 रुपये, और अब उसको बढ़ा के 1000 रुपये कर दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि राजस्थान में जितना भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं वो सबसे ज़्यादा लागू हुई हैं, प्रभावी तरीके से लागू हो गई हैं। RTS लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। RTS का थोड़ा बहुत विरोध भी हुआ, अंततः समझाइश हो गई और डॉक्टर्स लोग भी समझ गए, और मैं समझता हूँ कि ये राजस्थान में पहला मॉडल स्टेट बना है जहाँ RTS लागू हो गया है। तो मैं ये पूरी उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो जन्मदिन मनाने का मतलब है कि राजस्थान की जनता मना रही है, राजस्थान के जितने भी ज़रूरतमंद लोग बना रहे हैं, और इसी वजह से हम ये पूरी तरह से आशान्वित हैं कि इस बार रिवाज बदलेगा। अशोक गहलोत जी की लीडरशिप में, अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री काल में ये सरकार 2023 में विधानसभा चुनाव जीतेगी।